आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपने अभी पिक्चर्स भी देखी और म्यूज़िक से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का व्लॉग मेरा किस टॉपिक पे है। तो जी, आज खावर की बर्थडे थी और संडे भी था, तो बस पहले तो बारिश की वजह से हम घर में ही रह गए और फिर हमारे जो प्लान थे, हमारे कुछ प्लान ऐसा था कि हम सफारी ट्रेन पे का सफ़र करेंगे और वो आपको वहाँ पे लेकर जाएंगे, लेकिन जी बस बारिश की वजह से वो रह गया। और फिर हमने सोचा कि अब शाम में तो क्या, बस शाम ही थी और रात का ये होता है कि मैं इस साइड पे आती नहीं हूँ। मैंने खबर से कहा था कि जी आज अपने बर्थडे की खुशी में कुछ खिलाएं, तो हम आ गए थे फिर G11 मरकज़ में। और G11 मरकज़ में ये पुरबाश जगह आउटडोर इनका सारा सेटअप है और मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ पे दो तीन डिशेज़ ही हैं जो हम ज़्यादातर यहाँ पे जिनके लिए इतनी दूर तक आते हैं, तो रात में हम इसलिए नहीं आते क्योंकि कश्मीर हाईवे पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे आके खावर ने मंगवा ली थी पहले कस्तूरी चिकन मंगवा लिया था और मैंने दही बड़े मंगवा लिए थे जो कि खावर ने और मैंने इकट्ठे ही खाए थे क्योंकि उनकी प्लेट काफ़ी बड़ी सारी होती है तो वो अकेला नहीं खाई जाती। तो बस हमारा सारा प्लान जो था वो उलट पुलट ऐसे ही हुआ था क्योंकि मैं 1 वीक पहले ही हमने सब कुछ सेट कर लिया था कि हम जी गोल्डा शरीफ जाएंगे और गोल्डा शरीफ से हम आगे सफारी ट्रेन पे अटक तक जाएंगे और इस तरीके से, और रास्ते में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, घर से ही कुछ लेकर जाएंगे। तो वो जो आपको पता है कि एकदम से जब पूरा का पूरा प्लान उलट पुलट होता है तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता, और उस कुछ भी समझ ना आने में बस जो भी फिर हो जाता है वह उसी को ही उसी पे ही शुक्र अदा कर देना चाहिए। तो हमने भी ऐसे ही किया है क्योंकि सारा दिन आपको पता है इतनी बारिश थी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो कुछ देर के लिए रुकी है तो बस हम फिर निकल आए थे। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि संडे और सैटरडे को डाइनिंग पे पाबंदी है, और ये लेकिन एक तरह से बहुत बड़ी हमारे लिए गुड लक है या जो भी समझे कि G11 वाली साइड पे डाइनिंग वगैरह पे इतनी पाबंदी नहीं है। तो वो बस दही बड़े खा के फिर भी खावर को लग रहा था कि जब बर्थडे का ही मैंने लंच या जो भी कराना है तो फिर ढंग से किया जाए। तो यहाँ के जो है ना, ये चिकन मंचूरियन एंड विद ये जो फ्राइड राइस है, ये बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दही बड़े भी और ये चिकन मंचूरियन भी और ये चीज़ें ना, और लेमन सोडा इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर यहाँ पर आएँ तो पुरबाश का। और बस ये सब कुछ करके हम घर की तरफ रवाना हो रहे थे क्योंकि फिर बादल दोबारा से ज़्यादा घने और इस तरह से हो रहे थे, तो हमने कहा ये ना हो कि यहाँ से फिर काफ़ी सफ़र हो जाता है हमारे घर की तरफ, तो ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और हम यहीं पे फंस जाएं। तो बस जल्दी जल्दी ये सारे हमने बस बर्थडे सेलिब्रेट ही करनी होती है ना, लाजमी तो नहीं होता केक शेक काटना है या कुछ ऐसा करना है, बस थोड़ी देर के लिए हर चीज़ हर फिक्र से आज़ाद होकर थोड़ी सी खुशी मना लेनी चाहिए और छोटी छोटी सी जो खुशियां होती हैं उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बड़े और वेल प्लान्ड उसके चक्कर में जो छोटा छोटा सा आपका टाइम या कोई खुशी आती है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जी यहाँ से जब हम घर गए हैं तो एक सरप्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा था, और वो सरप्राइज़ क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, वो सरप्राइज़ ये था कि एकदम से ही रात को 10 बजे मुजफ्फरगढ़ से मेरी सिस्टर आ गई थी और वो केक और काबर के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे वो लिए हुए थे उन्होंने, और हमें इतनी खुशी हुई कि हमने केक वहाँ पे हमने नहीं काटा, केक भी आ गया। और एक वैसे ही जैसे बर्थडे की तरह से सब कुछ वैसे ही रौनक लग गई और बहुत इंजॉय किया, जिनके लिए मैं उनके बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये हमारा एक ओकेजन इतना ज़बरदस्त कर दिया था। जी बस यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।